हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बताने वाला हूँ दिल्ली के बारे में कि दिल्ली सात बहनों का राज्य क्यों कहा जाता है और वो कौन कौन से शासक थे जिसने दिल्ली को बनाने में अपना पूर्ण निर्माण करा। तो दोस्तों, सब कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। तो दोस्तों, बताऊ दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली प्राचीन टाइम से काफी अच्छा खासा शहर रहा है। इसको कई राज्यों ने अपनी राजधानी बनाया और भारी आक्रमणकालों से लूटा है, विस्फोट करा है, तोड़ा है और मतलब तबाह करके चले गए। और कुछ राजा तो ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली को अपना पुनर्निर्माण कराया और अपना राज्य बनाया, और किसी किसी राजा ने तो सभी राजधानी भी बनाया। और दोस्तों, बता दो, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? जो हिंदू धर्म का महाकाव्य है महाभारत, उसके अंदर इंद्रप्रस्थ जो राज्य है, जो भगवान इंद्र का नगर हुआ करता था, वह पांडव की राजधानी हुआ करता था। और ये बताया गया कि कुछ काले पत्थर थे अवशेष 10वीं ईस्वी से पूर्व, कुछ जब खुदाई चली, जो वहां पे हमारा क्या कहते हैं लाल किला है उसके नीचे कुछ खुदाई चली थी, तो वहां पर कुछ काले पत्थर थे। इस चीज का अवशेष देते हैं कि इंद्रप्रस्थ शहर था, इंद्रप्रस्थ उनका दावा करता था। तो दोस्तों, जो पहला जो शासक, पहला जो होता राजा जिसने की स्थापना की थी, तो पृथ्वीराज चौहान, जिसने रायगढ़ का किला पिथौरागढ़, जिसको लाल कोट के नाम से जाना जाता है, ये पहला शहर बसाया था हमारा दिल्ली में। दिल्ली का जो छोटा राज्य बनाने की कोशिश बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों। उसके बाद आता दोस्तों श्री, तो श्री की जो स्थापना है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने श्री का किला का निर्माण कराया था। और दोस्तों, इसके बाद आता तुगलकाबाद। तुगलकाबाद की जो नींव है वो लिखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने, और यहीं पे उसने तुगलकाबाद का निर्माण था, और जो ये समझा गया कि तीसरा राज्य बनाया गया था। उसके बाद आता झापना, झापनाबाद की जो नींव है वो रखी थी गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो तुगलक वंश का अगला शासक था, और इसने ही जापना की नींव रखी और वहीं पर उसका राज्याभिषेक करेगा और वहीं पर एक किले का निर्माण करेगा, उसी जगह को जापनाबाद कहा गया। और दोस्तों, उसके बाद आता है फैजाबाद। फैजाबाद भी दोस्तों जहां मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला शासक था जिसने जापना फैजाबाद की स्थापना करी, और यह था ये भतीजा था मोहम्मद बिन तुगलक का। और दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों फैजाबाद फिरोजा शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था। और इसके बाद आता दोस्तों शेरगढ़। और शेरगढ़ को दोस्तों कब इसकी स्थापना की थी? दोस्तों, शेरगढ़ की स्थापना की थी जब शेरशाह सूरी ने हिमालयों को परास्त कर दिया था 1540 में। दोस्तों, उसके बाद शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ की स्थापना करी और एक किला बनवाया जिसे आज पुराना किले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाया गया है। और उसके बाद आता दोस्तों शाहजहांबाद। शाहजहांबाद दोस्तों शाहजहां ने इसकी नींव रखी थी 16वीं-17वीं शताब्दी में, जहां पे आज आपका लाल किला, जामा मस्जिद और अन्य कई इमारतें वहां पे बनी हुई हैं। तो दोस्तों, सारी ये शाहजहां द्वारा बनाई गई हैं, जो उस वक्त का सातवां राज्य का सातवीं जगह कहा जाता है। दोस्तों, इन सात जगहों से मिलकर हमारी दिल्ली बनी हुई है। और दोस्तों, इस वीडियो में इतने। अगर आपको अलग किसी राज्य के बारे में जानना है तो मैं उसको बताऊंगा, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। दोस्तों, थैंक यू।